ब्रह्मपुरी तहसील के बरड किनी में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया। बरड किन्नी में हरि भक्त परायण सुनील गुरुदेव महाराज के सुमधुर वाणी द्वारा भागवत गीता रचयिता सार, राम गीता सार, समाज प्रबोधन, व्यसन मुक्त, स्वच्छता आदि विषयों पर प्रवचन किया गया। 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में सुबह रामधुन, शाम के समय हरिपाठ और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण जी की भागवत गीता में लिखित राधा कृष्ण के लीला का सुंदर वर्णन प्रवचन द्वारा किया गया। गुरुनंद महाराज की टीम में उत्कृष्ट गायक के साथ ऑर्गन वादक, तबला वादक, गायक आदि कलाकार मौजूद थे। भागवत ज्ञान सप्ताह में शाम के समय हरिपाठ होने के बाद श्री साईराम गुरुदेव सेवा भजन मंडल टीम द्वारा, साथ ही गाँव की अन्य भजन मंडल टीम द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। और वहीं श्री हरिभक्त परायण हरिकर जी किलारे महाराज ने काकड़ आरती तथा हरिपाठ किया। साथ ही गांव के सार्वजनिक सर देवस्थान पुजारी श्री रामचंद्र मिश्राम ने देवी देवताओं के पूजा अर्चना देखभाल, साथ ही भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के महत्व की भूमिका पुजारी के रूप में निभाई। हरिभक्त परायण श्री सुनील जी गुरुदेव महाराज के भागवत गीता के सार की गोकुल में श्री कृष्ण लीला का अद्भुत वर्णन, साथ ही राधा कृष्ण की रासलीला का वर्णन कर भाविकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरिपाठ के दौरान भाविक भक्त नाचने लगे। प्रस्तुत इस पावन भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कुछ पावन झलकियां सी टीवी न्यूज के प्रतिनिधि शैलेश गंधी की नजर। क्या व्यक्ति ने एक संकल्प करा हुआ कि महाराज आज पासून मी संकल्प करते कि आज पासून मी दारूला कभी सेवन करना कभी करना नहीं। आमचे एक जीव घेतले बाबाजी म्हणे मी दारू सोडली, पण जोपर्यंत मी इथं तुम्हाला म्हणणार नाही तोपर्यंत दारू कधी सुटणार। हावया मना ऐकिना मज गुरु भक्ती करू, जोपर्यंत मनुष्य मनाला कंट्रोल करणार नाही तोपर्यंत दारूच्या आरी कधी जाणार। अरे कदाचित मनाला बांधा तुम्ही, मनाला कुठेतरी स्थिर ठेवा, मनाला कुठेतरी डर निर्माण करा, जेणेकरून डर निर्माण झाला तर तुमचा व्यसन कधीही सुटू ना। मनाला जरी निर्भय मन असेल तर मन हा चंचल आहे, तुम्हाला नसत आज म्हणत असाल की मी दारू सोडलो तर उद्या त्या आहारी गेल्याशिवाय राहणार। सी टीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर बुद्धार पावर की रिपोर्ट।